होगी तो वह बेशर्मी। थोड़े दिन पहले तो तुमने तुम भैन में ड्रामा रचा था, आज फिर तुमने मैंगल पर मैं तड़के तड़को शिकार होगा। अगर तुम चाहोगे हो सरकार तुम्हारे गले पड़े पड़ रही है, जो मारा बीच के लोग हैं मैं भी सरकार के गले मिल रहे हैं। ऊपर तो यू राम ने मतलब शासन भी दुश्मन है, प्रशासन भी दुश्मन है, और यू भगवान भी दुश्मन है हो रहा हमारा। तो हम तो यह बात कहना चाहवा हाँ, जो है जो यू मामला हो गया इसने बला वक्त तो निपटा लो, नहीं हम तो लड़ने का तर तैयार हाँ। भी किसी का दिमाग में या छोटी सी भी दिमाग में हो प्रशासन का कि भी हम उठ जाएंगे, हमने तो जड़े गोटे टेक दिए और इलाका वह चीज हमने फतेह करके उठे हैं। और मेरे ख्याल में बेरा भी होना चाहिए इस विभाग ने, देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री हमने मोदी को नहीं बख्शा और आप तो चीजें कुछ को नहीं। तो हमने बार बार आपकी शिकायत मिले, ऐसा नहीं हो कि आपका चक्कर में और आगे भी कादर चिट्ठे काट लिया बहुत भ्रष्ट। अबे कह तो दे पुलिस विभाग ने सबसे बड़े डाकू तो ये बिजली विभाग वाले हैं, इनका बड़ा डाकू को नहीं पावे कोई भी। पर मारे किसान मजदूर क्या सोचे हैं, सारा दिन इन्हें दौड़ा रहना भाई की मैंने और मिलकर चैन से काम कुए ऊपर को रफिए और कुए तड़े को रफिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करता है ये विभाग और फिर भी आम चुपा हमारी मजबूरी है क्योंकि एक एक दो किलते रह रहे हैं इसमें खावा के और निचोड़ा के वो काम हो रहा है। नंगा तो होगा के और निचोड़ेगा के, मजबूरी तो हमारी है। पर इस सरकार ने इस प्रशासन ने तो जमा चप्पल काट के हमारे पास पड़ लिए। बार बार बातचीत का एक बजे का टाइम दिया था, इतनी का समझ में नहीं आ रही। आखिर ये समझेंगे कद, ये सिर्फ उसे टाइम समझेंगे जिस टाइम यू सारा रास्ता बंद हो जाएगा इसका ताला मार देंगे। और यह सरकार यह बात सोच लो हम कड़ा फैसला लेने भी पाछा नहीं हटेंगे क्योंकि घर तरफ ये दे रखे हैं और फिर फूड को निकवा दे घर तरफ ये घर तलाने दे फिर फुड़कुआ ये काम करके आई सरकार ने। तो मारे जो लोग इतने अच्छे होंगे तो यह दिन में हमने नहीं देखना पड़ता। कम से कम जो आप लोग मारे बीच में तो उठकर नौकरियां पर लग रहे हो आप लोग तो मामला बख्श दो। पर आप लोग यदि मारा शोषण करोगे जिस खेत की बैड है खेत में खान लग जाए तो बैड करे दिन कौन चल जा सकती। हमने सरकार के लिए लड़न दो, हमने मुद्दे तो ना भटकाओ और बहुत मुद्दे है हमारे द्वारा। पर आप लोगों का ऐसा काम हो रहा है अब तीसरा दिन और समस्या पा रहा है। एक और चैन है करके मिली भगत वहां भी एक पटवारी है सनी वो सस्पेंड हो गया। आज हमारी कमेटी है उचैना की सुप्त मोर्चा कमेटी उचैना आज डीसी ने मिलकर आई है, उसका भी यह काम था पांच चार किसानों की कट्ठे करके पीछे एक के खाता में भेजती है शेर का बच्चा में। ये पटवारी उसके बाबू और ये उसके बाबू ये बिरानी तन कड़े लेकर जावेंगे। इनकी नू शर्म नहीं आंदी, किसान ने अपने बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं अपना परिवार पालना मुश्किल हो रहा है पर ये उल्टे उल्टे काम करे। तो हमारी तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि वक्त रहने यू मामला सुलझा लोगे तो बढ़िया है, नहीं सुलझा लोगे तो भाई हमने पल्लट बिछा दिया इस सरकार का। इन तेरहवीं सत्रहवीं बरसोती आड़े करके उठागे बार बार हम हमें इस चीज से नहीं गुजरना चाहते जो आप गुजारने लग रहे हो। और एक बात नहीं समझ में आती, आखिर किसी के तौर हो रही थी और भी बहुत सी नीचे तो बातें आ रही हैं। यदि उन्होंने सोचा नहीं कि एप्लीकेशन ला दी इन थाने तहसीलियां गल हमारा अच्छा है संबंध हो रहा है कई साल आता है ढाई तीन साल तक जमानू नून गए कराई से तहसील में दिख गई से थाना में हमारा तो काम करती है सरकार ने मतलब थाना में फेरे हो गए भाई इज्जत रहेगी हमारा तो इसी इज्जत रह रही है किसी की इज्जत रह रही है इसी की इस प्रशासन की कर देंगे। हम तो एक चीज में समझौता कर सका इस अनिल ने तो सस्पेंड कर दो, इसके ऊपर केस करो, इस भाई के पैसे वापिस करो, बर्खास्त करो और इसको बर्खास्त करोगे ताकि यू किसी और किसान मजदूर का मतलब शोषण ना कर सके और सस्पेंड करो नू काम कौन चल रहा है। और दूसरी बात इसके जितने पैसे वो वापिस दो और जो इसका जायज हक है जिस कनेक्शन पे इतना बड़ा बवाल हो गया यू कनेक्शन भी लेवांगे इन तो सारी चीज लेवांगे मीटर भी लागेगा जे इनका नू बहन हो अगर हम समझौता करते नहीं भाई हम समझौता करते नहीं जमा तारा जी करा तो ना जियो और नहीं तो हम तो बैठ गए हमने यू पल्लड़ ला दिया तो यू समझ लो भला हरना को नहीं होया करता यू पल्लड़ मारा किसान मजदूर का जब पल्लड़ लग गया तो नू समझ लो कि सरकार का तर खतरा की घंटी बजेगी तो इस खतरा की घंटी इस विभाग का तर तो बजेगी। और अच्छी बात यह है कि इसने देख कर दूसरे भी सुधर जियो नहीं तो एक इलाज तो है काके ताऊ अपना काम रखो पक्का और पिंडिया का ले लो तेल यू को नहीं सूट आवे।
ना तो यू मोदी किसे काम करता यू खट्टर इकट्ठा के तो बोल सुने हो गए तो तीन बार रुपये लेवा एक साठी साठू बोलना साठी भी नहीं साठू बोलना एक सामनी एक मुआवजा इलाज है इनती नहीं ठंडा दिमाग तक सोच के जो आपने वैक्सीन बना रखी 2024 में उसकी डोज दे दो इनकी चलते कर दो जोड़ा टाइम दो इनकी कांख में ये नु करो नहीं हम तो जोड़ा ठा के चलते गे ये जनते को नहीं दिक्कत है इनकी काख में क्या हल्का ना लात मारनी पड़ेगी या सोच लो या लात कुकर मारनी है जय जवान जय किसान जय हिंद।